दोस्तों कल दिल्ली में ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया जाता है। आज 12 बजे वो ऑर्डर अपलोड होता है और इस ऑर्डर में बीजेपी द्वारा संचालित ईडी और बीजेपी पूरे देश में उनका चेहरा बेनकाब हो जाता है। ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया है जो बीजेपी द्वारा संचालित ईडी है ये मनगढ़ंत तरीके से जो तथ्यों को पेश कर रही है, जो तथ्य आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाते हैं। इतना ही नहीं, ईडी मनगढ़ंत तरीके से कागजात उन्होंने पेश किए और दबाव में लोगों को सरकारी गवाह बनाया गया। जो बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाते हैं उनको सामने रखा गया, जो दबाव में बनाए गए, और जो उनके पक्ष में जाते हैं उनको छुपा दिया गया। इतना ही नहीं, ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि गोवा इलेक्शंस को लेकर जो ईडी मनगढ़ंत इल्जाम लगा रही है आम आदमी पार्टी पे लेन देन को लेकर, इसका कोई तथ्य, कोई सबूत, कोई साक्ष्य कोई नहीं है, ना कोई मनी ट्रेल है, और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से पाक साफ है। दोस्तों माननीय न्यायालय का ये जो ऑर्डर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ा चौंका देने वाला तथ्य ये है कि ऑर्डर अभी अपलोड ही नहीं हुआ, बीजेपी द्वारा संचालित ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। दिल्ली हाई कोर्ट के जज को पता ही नहीं है कि ऑर्डर में क्या लिखा गया है, और ईडी ने उनको बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई पे रोक लगाई जाए। दोस्तों ये जो ईडी ने कारनामा किया है इससे बीजेपी का चेहरा और बीजेपी द्वारा संचालित ईडी का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है। आज आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिन्होंने वहां बीजेपी और बीजेपी द्वारा संचालित ईडी को पूरे हिंदुस्तान के सामने बेनकाब कर दिया। क्या कहा संजय सिंह ने, सुनिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंधुओं को नमस्कार। कल एक ऐतिहासिक फैसला माननीय न्यायालय का आया और आज उसके आदेश को लगभग 12 बजे अपलोड किया गया, उसकी कॉपी दी गई, और ट्रायल कोर्ट का जो आदेश है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बीजेपी के सरकार की भूमिका और बीजेपी सरकार द्वारा संचालित ईडी की भूमिका पूरी तरीके से इस देश के सामने बेनकाब होती है। कोर्ट का आदेश ये साफ तौर पे बता रहा है कि ईडी मनगढ़ंत तरीके से तथ्यों को हमारे खिलाफ इकट्ठा कर रही है, ईडी मनगढ़ंत तरीके से जो कागजात वो अपने पक्ष में बनवाते हैं उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी कि दबाव में बयान लिए जाते हैं, गिरफ्तारियां की जाती हैं, सरकारी गवाह बनाए जाते हैं और उसके आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। जो बयान लगता है कि केजरीवाल को फंसाने के लिए जरूरी है वो बयान कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो उनके पक्ष में है वो छिपा लिया जाता है। और इतना ही नहीं, ट्रायल कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि गोवा के इलेक्शन की जिस लेन देन की बात ईडी के द्वारा की जा रही है उसका कोई तथ्य और प्रमाण, कोई मनी ट्रेल और सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है, यानी सिर्फ कहानियां, झूठी कहानियां, बेबुनियाद कहानियां, फर्जी सबूत, फर्जी तथ्य, फर्जी प्रमाण। और मकसद क्या है? अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करना, बहुत साफ तौर पे मकसद है। और अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के
इंटरिम बेल के आदेश को भी उल्लेखित किया है। और वो क्या है? वो आदेश से कहता है कि अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अरविंद केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल इस मामले में, इस पूरे मामले में 2022 अगस्त से मामला पेंडिंग है, अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं है, अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को अरेस्ट किए गए और उनकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है यह मामला अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, उस पर फैसला आना बाकी है। अब एक एक पैरा अगर आप इसका पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, आदेश की कॉपी आपको मिल भी गई होगी और आपको अभी मैं पढ़ के भी बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरा है उसके, किस तरीके से बीजेपी की सरकार ने, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक गहरी साजिश रचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को, सत्येन जैन को मुझे पकड़ के जेल में डाला, और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद है एक, केजरीवाल की राजनीति खत्म करो, आम आदमी पार्टी को खत्म करो। जब कल आदेश आ गया तो पूरी की पूरी ईडी सदमे में चली गई, सदमे से बेचारे निकल ही नहीं पा रहे थे, उनको उनके ऊपर के आकाओं ने डांटा बिगड़ा, अरे क्या किया तूने, तुझे तो जो काम कहा गया था ठीक से किया ही नहीं, चल लाइन में लग जा, बोले हुजूर कहां लगना, बोले सुबह सुबह हाई कोर्ट पहुंच जा, पहुंच गई हाई कोर्ट ईडी। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, दिमाग से बिल्कुल पैदल हो गए हो क्या, बुद्धि काम करना बंद हो गई तुम लोगों की, तुम्हारी मत भ्रष्ट हो गई। अरे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, उससे पहले हाई कोर्ट पहुंच गए। कभी आज तक भारत के न्यायपालिका के इतिहास में आपने ऐसा सुना हो तो बताइए, मैं चुनौती देके कहना चाहता हूं, किसी न्यायालय के आदेश की कॉपी तक नहीं मिली, आदेश में क्या लिखा है यह जज साहब को मालूम ही नहीं है, ईडी को भी नहीं मालूम है, और उससे पहले ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई कि साहब केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाइए। ये क्या हो रहा है इस देश में? प्रधानमंत्री जी, क्या आप ऐसे देश की न्याय व्यवस्था चलाएंगे? अपनी जांच एजेंसियों को इस तरह से कानून का माखौल उड़ाने के लिए हमेशा आगे करते रहेंगे? इन जांच एजेंसियों के पीछे खड़े होकर आप कितने घिनौने खेल रचना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? कल तक बीजेपी वाले कहते थे देखो बेल नहीं हुई, देखो बेल नहीं हुई, देखो बेल नहीं हुई, अब बेल हो गई तो बगैर आदेश के उसको रुकवाने पहुंच गए, बगैर आदेश के रुकवाने पहुंच गए। और मैं समझता हूं कि माननीय हाई कोर्ट निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान लेगा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और किस आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी गई है। उनके जमानत का एक मजबूत पुख्ता आधार है और यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी ट्रायल कोर्ट की जज ने अपने ऑर्डर में उनके कथन को लिखा है। और वो कथन क्या है सीजीआई महोदय का? देश के मुख्य न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजों का एक सम्मेलन जो हुआ था उसमें कहा था मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कि ट्रायल कोर्ट में बेल के मामले में लोगों को
निर्णय नहीं मिल पाता, जिसके कारण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे बेल के केसेस पेंडिंग हैं। तो यह चिंता जाहिर की थी देश के मुख्य न्यायाधीश ने भी कि ट्रायल कोर्ट्स के पास जो अधिकार है बेल देने का, वो शायद सही तरीके से अगर सदुपयोग हो उसका तो इतने मामले पेंडिंग नहीं रहेंगे बेल के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसका भी उल्लेख अपने ऑर्डर में किया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है 28 इस ऑर्डर का, इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट लास्ट लाइन कोर्ट टू थिंक दैट ईडी इज एक्टिंग विथ बायस। इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि ईडी हैज फेल्ड टू क्लेरिफाई एज टू हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेसिंग आउट द कंप्लीट मनी ट्रेल। ईडी इज ट्राइंग टू से दैट टिल द टाइम द मनी ट्रेल इज ट्रेस्ड एक इज सपोज टू रिमेन बिहाइंड द बॉस दैट टू विदाउट प्रॉपर एविडेंस अगेंस्ट हिम जस्ट सेड दिस सबमिशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये पैरा 24 में लिखा हुआ है कि ईडी जो है ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनको मनी ट्रेल का ट्रेसिंग करने में कितना वक्त लगेगा, और वो चाहते हैं कि तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाए जब तक कि मनी ट्रेल मिल नहीं जाता। इसमें एक लाइन है ईडी साइलेंट ऑन हाउ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय आप इन गोवा इलेक्शंस, इवन आफ्टर 2 ईयर्स द एल्ज्ड अमाउंट रिमेन्स टू बी ट्रेस्ड आउट। जिन पैसों का आरोप लगाया जा रहा है कि गोवा इलेक्शन में उसका इस्तेमाल किया गया, उसको आज तक 2 साल बीत जाने के बावजूद ईडी उसको ट्रेस नहीं कर पाई है। एक इसमें और ये पैरा 26 का पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। पैरा 27 में लिखा है मटेरियल वॉज अवेलेबल विथ ईडी सिंस जुलाई 2022 बट एके वॉज कॉल्ड बाई ईडी ओनली इन अगस्त 2023 शोज मैलाफाइड ऑफ ईडी एंड ईडी हैज फेल्ड टू एंसर दिस ऑब्जेक्शन। ये कह रहे हैं कि जब आपके पास जुलाई 2022 में आप कह रहे हैं कि मटेरियल हमारे पास सफिशियंट मटेरियल था, सबूत था, तो आपने अगस्त 2023 में अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलाया? इससे कहीं ना कहीं ईडी की दुर्भावना, ईडी की मंशा जाहिर होती है, और उनकी गिरफ्तारी ठीक चुनाव से पहले, 2 साल से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी ठीक चुनाव से पहले हो रही है। अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं था, ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, और बाकी मैं आपको ऑर्डर की कॉपी भी आपके पास होगी नहीं तो मैं दे सकता हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि आप सब लोग जानते हैं कि पीएमएलए के मामले में जमानत मिलना कितना कठिन होता है, और जब नियमित जमानत मिलती है तो उसकी बुनियादी शर्त यह है कि जज इस बात से, न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, वो निर्दोष है। यह लिखा हुआ है पीएमएलए के कानून में। तो जब सारे गवाह, सारे सबूत, जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारे बयान जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिया आप हाई कोर्ट। अब इस आदेश के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को खामोश होकर
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए और चोरी और बेईमानी और भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने किया है। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत की मनी ट्रेल शरद रेड्डी के मामले में बिल्कुल साफ जाहिर हो चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में वो रिश्वत भाजपाइयों ने ली है, उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। ये मेरी पूरी बात थी। आपको कोई अगर प्रश्न करना हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह का आदेश है ट्रायल कोर्ट का, इस आदेश को देखने के बाद ईडी के पक्ष में कहीं से भी कोई फैसला आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता, और माननीय उच्च न्यायालय भी इन बातों को जरूर देखेगा। जो आदेश आया है ट्रायल कोर्ट का वो अपने आप में सारी बातें बयान कर रहा है। आप कुछ कागज केजरीवाल के खिलाफ बनवाते हैं गिरफ्तारी के बाद और उसी को आधार बनाते हैं उनकी गिरफ्तारी का। एक व्यक्ति को, एक व्यवसायी को पकड़ते हैं, 4 महीने 5 महीने 6 महीने जेल में रखते हैं, उससे पहले के 10 बयान लेते हैं जिसमें केजरीवाल का जिक्र नहीं है, अंतिम के 2 बयान लेते हैं जिसमें केजरीवाल का जिक्र है, उसके बाद उसकी जमानत हो जाती है, बाहर हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं और हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि ये मामला ही पूरा झूठा है, कोई सबूत इनके पास नहीं है, एक पैसे की मनी ट्रेल इनको नहीं मिली है। तो इन बातों को माननीय हाईकोर्ट भी जरूर देखेगा, मैं ऐसा मानता हूं। दोस्तों, आपने देखा भाजपा और मोदी किस तरह अरविंद केजरीवाल मॉडल को ये पीछे करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की राजनीति से ये बिल्कुल पीछे धकेलना चाहते हैं। आज तो मोदी जी को पूरा बहुमत भी नहीं है, फिर भी उनकी तानाशाही का जो रवैया है, जो उनका नेचर है, जो उनकी तानाशाही फितरत है, वो खत्म नहीं हुई। उनको पता है उनकी सरकार बैसाखियों पर है, लेकिन फिर भी उनका जो रवैया है, जो उनका नेचर है, वो तानाशाह वाला, वो खत्म नहीं है। और आज भी वो ईमानदार राजनीति को खत्म करने पर आतुर हैं। वो राजनेता अरविंद केजरीवाल, जिसने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने पूरा का पूरा संविधान, पहला ऐसा राजनेता जिसने पूरे तरीके से हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट किया, दिल्ली में इंप्लीमेंट किया, पंजाब में इंप्लीमेंट हुआ, ऐसा राजनेता जिससे पूरी हिंदुस्तान की जनता खुश है, पूरे हिंदुस्तान की जनता जो चाहती है हमें अरविंद केजरीवाल जैसा नेता चाहिए, उस अरविंद केजरीवाल, उसकी राजनीति को बीजेपी और मोदी खत्म करने पे चले हैं। शायद यही कारण है दोस्तों कि आज पूरे हिंदुस्तान में यह आवाज उठने लगी है कि टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को फौरन अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार से सहयोग वापस ले लेना चाहिए, ताकि मोदी सरकार, ये NDA 3 जो फिर तानाशाही हिंदुस्तान में चलाने पर आतुर है, इसको गिराया जा सके और एक ईमानदार सरकार केंद्र में स्थापित की जाए। आज के लिए इतना ही।